हेलो सर, कैसे हैं आप सर? देखिए, आज का जो मेरा वीडियो है वो इस टॉपिक पे है। जैसे मेरे काफ़ी व्यूअर्स और कई जो है कुछ कस्टमर्स और व्यूअर्स जो है कमेंट भी करते रहते हैं, कुछ लोग पूछते भी रहते हैं कि जैसे इस तरीके का, देखिए इस तरीके का कोई बॉल कॉक लगा हुआ है, ठीक है, जैसे 1 पीस 2 पीस में सब में लग जाता है, तो इस तरीके का बॉल कॉक अगर लगा हुआ है तो उसमें सबसे ज़्यादा दिक्कत क्या होती है कि इसको मेंटेनेंस के लिए कोई आम आदमी, आम प्लम्बर या फिर कोई आम टेक्नीशियन मतलब नहीं कर पाता, ठीक है। इसके लिए जो इसको कर सकता है, जो उसने किया होगा वही कर पाता है, क्योंकि इसको खोलना ही बड़ा टफ होता है, हर कोई खोल भी नहीं पाता है कस्टमर, और ख़ुद से आप करना चाहें तो ये तो इम्पॉसिबल है, क्योंकि आपको पता ही नहीं है इसमें वाशर कहीं उल्टा सीधा तमाम तरीके से होता ना, यहाँ भी वाशर है, यहाँ भी वाशर है, और ये भी लगा हुआ है, ठीक है, इसको कैसे खोलना है, बहुत सारी चीज़ें हैं। देखिए यहाँ भी लगा हुआ, तो इतना सारा चीज़ इसमें होता है, तो आपको ये क्या होता है कि दिक्कत इसमें आती है कि इसको हर कोई रिपेयर नहीं कर पाता है, खोल नहीं पाता है, और इस आता भी बहुत कॉस्टली है ये, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि ओवरफ्लो कर रहा है तो फिर प्रॉब्लम है, पानी नहीं भर रहा है तो भी प्रॉब्लम है, ठीक है। तो इसको इसके इसमें सबसे ज़्यादा ये है कि आपको मेंटेनेंस के लिए भी आपको ज़रूरत पड़ती रहती है, साल 2 साल में आपको इसको खुलवाना ही पड़ता है, मेंटेनेंस के लिए किसी न किसी को बुलाना पड़ता है। तो इस टाइप के देखिए मैं आपको दिखा दूँ, जितने भी इनलेट वाल्व होते हैं सीए हैं हमारे पास, ठीक है, इस टाइप के जो भी इनलेट वाल्व्स हैं सब में ये दिक्कतें आती रहती है, ओवरफ्लो हो गया, ब्लॉक हो गया, चोक हो गया, अक्सर इसमें दिक्कत आती है, फ्लश वाल्व में ज़्यादा दिक्कत नहीं आती है। तो अभी मैं जो आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूँ वो बहुत ही अच्छी चीज़ है, इन सब चीज़ों से आप लोगों को बहुत ज़्यादा मतलब एक तो तरीके से मान लीजिए कि 95% प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी, 5% रहेगी तो वो आप खुद से कर सकते हैं, आपको किसी भी टूल्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ना ही किसी प्लम्बर की आपको ज़रूरत पड़ेगी मेंटेनेंस के लिए, मतलब आपको किसी को बुलाने की ज़रूरत नहीं, वो खुद से कर सकते हैं। और प्रोडक्ट मैं आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ, देखिए ये पूरा किट है, ठीक है, जिसके साथ में आपका ये नॉब है, ठीक है, पुश बटन है, ये फ्लश वाल है, और ये आपका इनलेट वाल है। अब मैं आपको सबसे मेन चीज़ बताने वाला हूँ जो इसमें इसमें ये नहीं, बहुत सारे फ़ायदे हैं आपके। सबसे पहली बात तो आपका मेंटेनेंस जो भी लगता है साल 2 साल में, जो आप पैसा खर्च करते हैं वो तो ख़त्म हो जाएगा आपका, ठीक है, वो आपको ख़त्म हो जाएगा, मेंटेनेंस की आपको कोई टेंशन नहीं रह जाएगी इसमें। और 1 पीस 2 पीस किसी भी कंपनी का प्रोडक्ट हो, किसी भी कंपनी का कमोड हो, सब में फिट हो जाता है, जो काम इसका है, ठीक है, इन सभी का जो काम है वही काम इसका भी होता है, ठीक है। डिजाइन चेंज है लेकिन सबका वर्क एक ही है, ठीक है। इसके जो ऑटो कट के जो जो इसके फंक्शन है वो अलग है, ठीक है, ऑटो कट के लिए इसके वाशर ख़राब हो गए तो आप कुछ नहीं कर सकते, इसको अगर आपको क्लीन करना है तो भी आप खुद से नहीं कर सकते, आपको इसमें पैसा खर्च करना ही पड़ेगा, प्लस आपको अगर कभी रिप्लेस करवाना है, आपको एक पीस ही चेंज करवाना है तो 1200 रुपये आपके लगेंगे लगेंगे, ठीक है। और इसमें जो एडवांटेज है आपका, इसमें देखिए सिंपल सी बात है, इसमें कहीं पर कोई वाशर नहीं लगा हुआ है, इसमें सीधा सीधा है कि आपका जब पानी सिस्टम आपका भरता है तो ये धीरे धीरे ऐसे ऊपर उठता है, ये ऊपर गया और यहाँ पे ये ऊपर जाता है और यहाँ पे इसके होल को बंद करता है, ब्लॉक करता है, पानी ऑटो कट हो जाता है। इसमें ओवरफ्लो की तो आप ये मान के चलिए कि 95% ओवरफ्लो की चांसेस तो ख़त्म हो जाते हैं, ठीक है, ओवरफ्लो तो होगा ही नहीं। कभी अगर होगा और वो भी बहुत ज़्यादा मोटा कोई चीज़, कोई कचरा आके फंस गया तो ही ये ब्लॉक भी होगा, नहीं तो ये ब्लॉक भी नहीं होगा, क्योंकि इसमें क्या होता है ना, इसमें देखिए मैं आपको बता दूँ, सिंपल सा तरीका है, अगर आपने इसको लगा लिया तो आपकी मेंटेनेंस तो ख़त्म, चोक ब्लॉक ये सब चीज़ें तो होनी नहीं है इसमें, कभी कभार कोई ऐसी दिक्कत आ जाती है। देखिए मेंटेनेंस का क्या है ना कि उसमें इसमें होता क्या है कि इसमें अगर आपका पानी गंदा आ रहा है, रेतीला पानी, रेत आ रहा है पानी में, मिट्टी आ रहा है, कहीं मोरंग दाना कुछ आ गया तो इसमें दिक्कतें आपको आनी शुरू हो जाती हैं, ठीक है, वो ख़त्म नहीं होती, और वो लगभग लगभग मुझे लग रहा है कि साल 6 महीने 2 महीने 6 महीने साल भर में 2 साल में ये करवाना ही पड़ता है, तो आपका वो बहुत कॉस्टली पड़ जाता है। अब इसमें क्या है, उतना छोटा मोटा दाना रेत का गाड़ या मिट्टी या कुछ थोड़ा बहुत आता भी है तो भी ये झेल जाता है, इसमें कुछ नहीं है। देखिए इसको खोलने का तरीका मैं आपको बता दूँ, और हाँ एक चीज़ मैं आपको और बता दे रहा हूँ, देखिए
ये जो रॉड लगा है ना, इसका ये होता है कि जैसे आपने मान लीजिए इसका वाटर लेवल आपको कम करना है, तो इस तरीके से रॉड को घुमाइए और ये देखिए रॉड को घुमाते गए हम इस तरीके से, ये देखिए रॉड कहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया, इतना नीचे आ गया, तो ये यहाँ पे जाके ऑटो कट हो जाएगा, इतना ऊपर जा कर के। अभी और कम करना है तो आप इसको और कम कर सकते हैं। ये वाटर लेवल एडजस्ट के लिए ये रॉड है, इसको आप घुमाना है, इसमें थ्रेड होता है, तो इस तरीके से आपका ये घुमा करके देखिए इतना आ गया, यहाँ पे आ गया, यहाँ पे। अब इसको हमें पानी का वाटर लेवल, अगर आपके फ्लश का वाटर लेवल बढ़ाना है, तो इस तरीके से हम इसको घुमाते हुए ऊपर चले जाते हैं, ठीक है। इस तरीके से जितना हम घुमाते जाएंगे उतना जो पानी का क्वांटिटी है ना उसका वाटर लेवल ये बढ़ता चला जाएगा। देखिए यहाँ पे आ गया, अब क्या होगा, अब यहाँ उठेगा, ये पूरा रॉड पूरा कवर करेगा। तो इसकी जो यहाँ से आपको देखना है, क्योंकि ये वाशर तो बेस पे चला जाएगा, लेकिन यहाँ से यहाँ तक कितना पानी बढ़ता है, तो ये मैक्सिमम आपका जो है सभी में फिट हो जाता है, चाहे वन पीस हो टू पीस हो, सब में ये फिट हो जाएगा और टूटने फूटने की भी कोई चांस नहीं है, क्योंकि इसका रबड़ जो है इतना फ्लेक्सिबिलिटी होती है इसमें, इतना अच्छा होता है कि इसका जो प्लास्टिक है ना ये जल्दी टूटे उठेगा नहीं, ठीक है। तो अब इसको खोलने का मैं आपको तरीका बता रहा हूँ, सिंपल सा है। आपको रिपेयरिंग के लिए इसको किसी को बुलाने की ज़रूरत नहीं है, कोई टूल लेने की ज़रूरत नहीं है, आप सिंपल हाथ से जैसे क्लीन करते हैं, एक टैप है ना, आप कोई टैप आपका गंदा हो गया आप उसको क्लीन करना चाह रहे हैं, तो एक कपड़ा लेंगे, साबुन लेंगे, ऊपर से क्लीन कर देंगे, सिर्फ उतना ही टाइम लगना है, उतना ही मेहनत लगना है इसमें, बाकी कुछ भी नहीं लगना है। इसको यहाँ पे पकड़ा आपने और ऐसे मूव किया, ये देखिए खुल गया, ठीक है। इसमें कुछ नहीं, आपका सिंपल सा देखिए, एक यहाँ पे वाशर लगा हुआ रबर का, ठीक है, ये की वाशर लगा है यहाँ पे, और इसमें जो है बस देखिए, इसमें देखिए एक होल है इसके अंदर, ठीक है, देखिए सिर्फ एक होल है इसके अंदर, ये देख रहे हैं आप, इस होल के ऊपर वो रबड़ जा करके इस तरीके से इसको ब्लॉक करता है, इस होल को बंद करता है, ठीक है। अब ये क्या है कि इसका जो बेस है ना होल के चारों तरफ आप देख रहे हैं इसका, ये एकदम प्लेन होता है, ठीक है, एकदम प्लेन होता है ये, इस पर जाकर रबड़ इस तरीके से बैठता है और ये ऑटो कट हो जाता है। सिर्फ इतना सिंपल सा है ये कि आप इसको जो है सिर्फ सिंपल सा एक होल है इसके अंदर, बाकी कुछ नहीं है। और इधर से आप देखिए, इधर से भी एक आपको होल दिख रहा है, बस इतना ही है इसके अंदर, बाकी कुछ भी नहीं है इसके अंदर। और वर्क जितना वो करता है उतना ही वर्क इसका भी है। अब मान लीजिए मैं वाशर दिखा दे रहा हूँ आपका, ये वाशर है, ठीक है, ये वाशर को इस तरीके से आप यहाँ से निकाल सकते हैं। जैसे ये वाशर देखिए, इतना मोटा वाशर है, देख रहे हैं आप, इतना मोटा वाशर है। ये वाशर ख़राब होने का तो मतलब नहीं है, हाँ कभी अगर 5-10 साल में, 5 साल, 7 साल, 8 साल में कभी ख़राब भी हुआ है वाशर, तो आप इसको इस तरफ, जैसे मान लीजिए इस तरफ ख़राब हो गया, तो इसको आप इस तरीके से पलट के इधर के हिस्से पे लगा सकते हैं, ठीक है। और ये वाशर करता क्या है मैं आपको बता दूँ, ये वाशर इस तरीके से इसको यहाँ पे इस होल को इसे ऐसे बंद कर देता है, ठीक है, जहाँ से पानी आता है, ये देखिए यहाँ पे इसको ऐसे वाशर ही बंद करता है। सिर्फ इतना सा फंक्शन है इसका, बाकी इसमें कुछ भी नहीं है। देखिए यहाँ पे इस वाशर का काम इतना ही, ऐसे इसको इसको बंद कर देता है होल को। अब ये होल को बंद कर दिया तो पानी आना बंद, बाकी कुछ भी नहीं। इसमें थोड़े बहुत मोटे रेत कंकर या कोई मिट्टी उट्टी आ गया तो भी ये झेल जाता है, इसमें कोई टेंशन नहीं है। अब इसमें देखिए सबसे बड़ा फ़ायदा तो ये हो गया कि इसको आपको, अब देखिए वाशर यहाँ पे लगा होता है ये इस तरीके से, देखिए यहाँ पे वाशर लगा होता है इस तरीके से, ठीक है। तो अब इसमें क्या है मैं आपको बता दूँ कि यहाँ से एडजस्टिंग का, वाटर लेवल एडजस्टमेंट का हो गया, ठीक है, ये समझ गया आप। इसको खोलने का सिंपल सा तरीका देखिए, यहाँ पे ये लॉक टाइप का बना हुआ, ठीक है, ये चार लॉक हैं इसमें, ठीक है, ये देखिए ये चार 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 लॉक बने, ये किए हैं, ये किए हैं, ये किए हैं, ये किए हैं। अब इसको आपको करना क्या, सिंपल सा, ठीक है, जहाँ पे कट है, ये कट है, इधर लॉक को ऐसे नहीं लगाना है पहले आपको, ठीक है, सिंपल सा तरीका है आपका, जहाँ पे कट नहीं है, ठीक है, जहाँ पे प्लेन है यहाँ पे इसको ऐसे रखना है, रख करके और इसको
ये देखिए घुमा दिया, देखिए यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, ये देखिए लॉक हो गया। अब ये लॉक हो गया, इतना सा काम है इसमें मेंटेनेंस, सिर्फ इतना सा मेंटेनेंस के लिए आपको इतनी सी काम करनी है, ठीक है। अगर ये जैसे मान लीजिए ये लगा हुआ है ऐसे फ्लश में, सिस्टम में ऐसे लगा हुआ है, आप यहाँ गए, आपने यहाँ पे पकड़ा, ये तो लगा ही हुआ फिट है, यहाँ तो कुछ करना नहीं है, ऐसे आपने इसको घुमाया, ये खुल गया, और इसको देखा ये रबड़ को, इसके ऊपर कुछ होता है तो आप ऐसे हाथ से साफ कर दीजिए, क्लीन कर दीजिए। अगर सपोज मान लीजिए वैसे होता तो नहीं है क्योंकि इसका होल बहुत बड़ा है, ठीक है, इतना मोटा होल है कभी बंद नहीं होता। अगर सपोज इस होल के अंदर कोई चीज़ फंसा हुआ है, तो देखिए मैंने ये जो है ये बना रखा है टंग क्लीनर है, जिससे जीभ साफ करते हैं, ठीक है, ये टंग क्लीनर का मैंने ये बना रखा है। इसको सिंपल सा कुछ नहीं करना है आपको, अगर ये होल गंदा हो गया है तो इसके अंदर आपको इसे इसको डालना है, ठीक है, ऐसे डाला आपने इसके, ऐसे ऐसे लगे हुए में ऐसे में डाला आपने, ऐसे कर दिया, ये बिल्कुल क्लीन हो जाएगा। क्लीनिंग के लिए भी आपको नीचे से नहीं खोलना है, पूरा इनलेट वाल बाहर नहीं निकालना है, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आपको किसी टूल की ज़रूरत नहीं है, आप एक सिंपल सा इस तरीके से करके ऐसे आप इसको क्लीन कर सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। अब मैं आपको चीज़ इसमें बता दे रहा हूँ, सिर्फ इसमें एक चीज़ का ध्यान रखना है, वो चीज़ तो उसमें भी ध्यान रखना है, सब में ध्यान रखना होता है, कि जो ये इसका देख रहे हैं आप किनारे जो इसका ये है बेस, ठीक है, ये जो बेस है ये एकदम एक लेवल में होता है, ये बेस, ये इस बेस पे जैसे मान लीजिए ये बेस है, तो इस बेस के ऊपर ऐसे नहीं रगड़ना है, ऐसे नहीं रगड़ना है, ऐसे नहीं रगड़ना है, ठीक है। इसको सिर्फ आप इसके अंदर डाल के इस तरीके से साफ करिए, बेस पे कहीं पे भी आपको कट नहीं लगाना है, क्योंकि अगर बेस पे कट लगेगा इस पे, इसका जो बेस अगर यहाँ पे कोई कट लगा ऐसे में, ऐसे ऐसे कोई कट लग गया, तो क्या होगा, रबड़ ऐसे बैठेगा जब इसको ना, इसको ऐसे बंद करेगा तो क्या होगा कि वो साइड से थोड़ा बहुत पानी का लीकेज का फिर चांस हो जाता है, बाकी इसमें कुछ भी नहीं। वैसे ये बेस कभी ख़राब नहीं होता है, ठीक है, ये कभी भी रबड़ से ख़राब नहीं होगा, किसी भी चीज़ से ख़राब नहीं होगा। और वैसे मैं इसलिए इसको बता दे रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ, क्योंकि होता क्या है, कई बार जैसे किसी ने इसको साफ़ करने की कोशिश किया और ऐसे ऐसे करके रगड़ दिया किसी पेचकस से या उससे, तो पेचकस उचकस तो इसमें कभी कहीं आपको लगाना ही नहीं है, टूल का आपको इस्तेमाल करना ही नहीं है। अगर कभी होता है वैसे ब्लॉक, ये कभी नहीं होता, होता है तो आप इस तरीके से कोई तार ले लीजिए, वायर ले लीजिए, और इसके होल के अंदर डाल करके इस तरीके से आप इसको क्लीन कर लीजिए, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है, देखिए देखिए इस तरीके से क्लीन कर दिए, सिंपल है, बहुत सिंपल तरीका। तो इसमें आपका सबसे मेन चीज़ क्या है कि आपका कभी ओवरफ्लो करने लग गया, ठीक है, तो टेंशन किसको बुलाएं, कैसे बुलाएं, 2 दिन में आएगा, 3 दिन में आएगा, 4 दिन में आएगा, सबसे पहले तो आपका ये टेंशन ख़त्म हो गया, खुद से आप इस तरीके से घुमाइए और निकालिए और लगा लीजिए। और दूसरी बात इसमें ये होगी, ठीक है, कि ओवरफ्लो का कोई टेंशन नहीं रहता है, कि ओवरफ्लो कर रहा है आपको पता ही नहीं चल रहा है वो। अब जैसे ये बॉल पॉक है, जैसे ये बॉल पॉक है, ये ओवरफ्लो करेगा, कमोड के अंदर पानी जाता रहेगा, 2-4 दिन आपको पता ही नहीं चल पाएगा कि ओवरफ्लो कर रहा है, पानी जाग आ रहा है, ठीक है, वो दिक्कत इसमें नहीं आती है, ठीक है, इसमें नहीं आती है। तो अब ये ओवरफ्लो कर रहा है, अब इसमें पता नहीं चल रहा है, एक तो फ़ायदा आपका ओवरफ्लो वाला होगा, जल्दी उसमें कभी ऐसी कोई दिक्कत आती नहीं है। हाँ ये अलग बात है कि कोई बहुत किसी ने रगड़ दिया, किसी ने पेचकस से साफ कर दिया, कोई टूल्स लगा के कर दिया, तो अलग चीज़ है, ठीक है, लेकिन अगर ऐसा हुआ तो वो आपका जितने में ये आपका एक पीस आएगा उससे कम में आपको ये पूरा कंप्लीट सेट आ रहा है, ठीक है। बाकी इसका जो फ्लश वाल है, जैसे ये फ्लश वाल है, इसका जो कंप्लीट प्रोसेस है, कैसे क्लीन करना है, कैसे साफ़ करना है, क्या करना होता है, इसका वीडियो मेरे चैनल पे ऑलरेडी है, कभी अगर आप लोगों को कोई दिक्कत आती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए कि हमारे फ्लश वाल में दिक्कत है, फ्लश वाल को कैसे खोलना है, उसको कैसे क्लीन करना है, तो मैं आपको समझा दूंगा कि फ्लश वाल को कैसे खोलना है, कैसे क्लीन करना है। सिंपल सा है, इस तरीके से घुमा के आप ऊपर इस तरीके खींच करके रखिए, घुमाइए, ये निकल गया, ठीक है। इसका भी ये बेस होता है, देखिए यहाँ पे ये बेस है इसका, ये बेस है, ये बेस क्लीन करना होता है, बेस इसको टूथब्रश और हारपिक से क्लीन करना होता है, इस पर भी आपको कोई टूल वगैरह की
आपको यूज़ नहीं करना है। अगर टूल वगैरह यूज़ करेंगे बेस कट जाएगा तो भी आपकी लीकेज की समस्या खत्म नहीं होगी। बाकी दूसरा आपका देखिए सिंपल सा एक वाशर लगा है रबड़ का, इस पर इस वाशर को क्लीन करने कर लेना है एकदम ठीक है। इस वाशर को आप हाथ से साफ कर सकते हैं, ब्रश से और हाथ पे लगा के क्लीन कर सकते हैं। तो मेरा जो कहने का मतलब ये है कि हमारे जो व्यूवर्स और कई बार लोग काफ़ी लोगों ने कमेंट किया, कई व्यूवर्स हमारे कई कस्टमर ने बोला कि ये तो बहुत जो है बड़ा डिफिकल्ट है कि इसको खोलना ही जो है, जैसे ये बॉल कॉक है बोला कैसे खुलेगा ये कैसे खुलेगा। इसमें आप बिना टूल के बिना आपको जब तक आइडिया नहीं होगा आप इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं ठीक है। इसमें बहुत सारी दिक्कतें आ जाती है, कई बार टूट जाता है खोलते खोलते, मैक्सिमम जिसको नहीं पता वो तोड़ता ही है इसको ठीक है। तो सिंपल सा है कि जो है अब इसके बारे में जो आपको नहीं पता है आप जानते हैं, और ये कॉस्टली भी बहुत पड़ता है। अब इन सब का जो वर्क है वही वर्क इसका भी है, लेकिन ये थोड़ा सा डिजाइन चेंज है, सिंपल है। ये थोड़ा सा डिजाइन इसका अलग है, बहुत देखने में बहुत ऐसा लग रहा है कि यार ये तो बहुत किस तरीके से बना हुआ। तो इसका और इसका 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 सबका एक ही वर्क है, सेम प्रोसेस है, डिजाइन चेंज है, मॉडल चेंज है ठीक है। और जो इसका जो है इसमें इस तरीके से बाउल उठ के बंद होता है, उसमें वो वैक्यूम क्रिएट करके बंद होता है। तो वैक्यूम वाले में ज़रा सा भी कचरा आएगा तो वो नहीं बंद कर पाएगा पानी को ठीक है। वो उसका वाशर ज़रा सा भी उसके ऊपर गंदगी जमेगी डिपॉजिट होगा तो नहीं हो पाएगा, लेकिन इसके वाशर के ऊपर थोड़ा बहुत कचरा भी आ गया, रेत भी आ रहा है पानी में आपके, मैक्सिमम जो होता है मैं आपको चीज़ बता दूँ कि जैसे ये जो बॉल पॉक है इसमें जिसके यहाँ पानी थोड़ा रेतीला है, रेत होता है पानी उनी में, वहाँ ये काम ज़्यादा मतलब मेंटेनेंस बहुत जल्दी जल्दी मांगता है, क्योंकि वाशर गंदा होता है रेत आता है तो वहाँ पे ओवरफ्लो ज़्यादा ओवरफ्लो की दिक्कतें रहती हैं, पानी भरना चौक भी हो जाता है। तो उस जगह पे आप इसको यूज़ करिए ठीक है, उस जगह पर क्या किसी भी जगह पे आप इसको यूज़ करिए, बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, बहुत अच्छा चलता है, लाइफ भी इसकी बहुत अच्छी है, टूटने फूटने का कोई चांस नहीं है, इजीली खुल जाता है। और जैसे कि मैंने बताया आपको किसी को आपको मेंटेनेंस के लिए सर्विस के लिए बुलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इस प्रोडक्ट में आपको मेंटेनेंस के लिए बुलाने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं पड़ेगी। जैसे आप नल की जालियाँ होती है ना, जालियाँ टाइप्स की, वो आप क्लीन कर लेते हो साफ़ कर लेते हो अपने आप, ब्रश से अपने हाथ से खोला साफ़ कर लिया, वैसे नल की जाली जमा लो आप इसको कि नल की जाली साफ़ करनी है हमें, उतना ही काम है इसमें, उससे ज़्यादा कोई काम नहीं है इसमें। और इसकी कॉस्ट जो है पूरा कंप्लीट सेट मैं आपको बता दूँ, इसके साथ ये नॉब है ठीक है, पुश बटन जिससे फ्लश करते हैं, और ये फ्लश वाल्व है ठीक है जो सेंटर में लगता है, ये इनलेट वाल्व है। इसकी टोटल कॉस्ट जो है 500 रुपये है, 500 की। अब ये 500 आप इंडिया के किसी भी जगह से कहीं से भी आप परचेज करोगे तो 50 रुपये 60 रुपये से ऊपर आपको एक्स्ट्रा नहीं पड़ेगा कोरियर चार्जेस, इतना ही है। कहीं से भी आप इंडिया के किसी भी कोने से आप मुझसे मंगाओगे तो 50 रुपये ही आपको एक्स्ट्रा पड़ेगा, यानी कि 550 रुपये का, 550 रुपये आपको पूरी कंप्लीट सेट मिल रही है। और क्वालिटी आप खुद देखोगे, खुद देख करके आप समझ जाओगे क्वालिटी कितनी अच्छी है प्रोडक्ट की। और सबसे बड़ी चीज़ है कि COD है, आपको कैश ऑन डिलीवरी मिलेगी, जब आपको प्रोडक्ट आपके पास पहुंचेगा तब आपको पेमेंट करना है। और अगर कोई दिक्कत आती है आपको कि हाँ ये प्रोडक्ट आपको सही नहीं है जो भी, वैसे तो ऐसा हो ही नहीं सकता है कि प्रोडक्ट आप देखने के बाद आप ये क्या कह दो ये सही नहीं है, ऐसा कुछ है ही नहीं उसमें। लेकिन इनकेस अगर 1% कभी कोई दिक्कत आती है तो 3 दिन में आप रिटर्न बुक कर सकते हो, वापसी आपका रिफंडेबल है ये, आपका 3 दिन में आप जब आप रिटर्न बुक करिएगा तो रिटर्न बुक करने के बाद 3 दिन में आपको पैसा वापस मिल जाएगा। और फ्लश वाल का मैं बता दूं, आपका जो ये डाया होता है ना फ्लश वाल का ये जो हिस्सा है, ये सारी किसी भी कंपनी का हो लोकल हो कुछ भी हो, वन पीस किसी भी कंपनी का हो, सबका एक जैसा होता है, एक साइज़ का होता है। ये डाया एक साइज़ का हो गया, फ्लश वाल सब एक ही जैसा होता है, सबका काम एक ही है, डिजाइन मॉडल चेंज होने का वो अलग चीज़ है, कलर चेंज किसी ने कर दिया, किसी ने डिजाइन चेंज कर दिया, लेकिन डाया सबका सेम होता है, सबका सब में फिट हो जाता है ये। और इसमें जो है मैं आपको बता दूँ सिर्फ एक चीज़ होता है, हाइट। हाइट में क्या होता है कि 6 इंच, 8 इंच, 10 इंच, 12 इंच ठीक है। 12 इंच का आपको 100 में से 10 लोगों के यहाँ मिल सकता है,
लेकिन 8 और 10 इंच और 6 इंच ये मैक्सिमम चलता है। मैक्सिमम 8 इंच वाला जो है वो 6 इंच से लेकर के 8 इंच और 6 इंच का सब एक में फिट हो जाता है। ये जो है आपका ये 10 इंच का है, ठीक है। अभी 10 इंच वाला क्या है ना आपका, कि इसमें आपका जो वाटर लेवल होता है इससे होता है। देखिए ये रॉड बड़ा है इसका, यहाँ तक है करीब 1 इंच बड़ा है, तो ये जो रॉड बड़ा है इसके लेवल से देखना होता है हाइट। तो हाइट की तो कोई टेंशन नहीं है, अगर आपको लगता है कि आपका 10 इंच का है तो आपको 10 इंच मिल जाएगा सारे हाइट के साइज। सिर्फ इसमें हाइट देखना होता है, फ्लश वॉल की हाइट देखनी होती है कि हाइट ऊंचाई कितनी है, ये सब कुछ देखने की जरूरत नहीं है। डिजाइन मॉडल कुछ देखने की जरूरत नहीं, इसमें सिर्फ हाइट मेजरमेंट करना होता है। यहाँ से लेकर के यहाँ तक का हाइट, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का हाइट आप देख लीजिए कितना है, ठीक है। हाइट देख लीजिए कितना है, उस साइज़ का हम आपको दे देंगे, वो साइज़ आपका फिट हो जाएगा। ऐसा हो ही नहीं सकता है कि फिट ना हो, सिर्फ आपको हाइट देखना है, बाकी कुछ भी मेजरमेंट नहीं लेना है। और इसके लिए तो आपको जो है 10 इंच, 12 इंच, 8 इंच जो भी आपका लगता है वो बता दीजिए, वो सब हो जाएगा। ये आपका 6 इंच से लेकर के 10 इंच तक में सब में फिट हो जाएगा, क्योंकि मैंने जैसे आपको बताया ये रॉड है, इसको आप ऐसे ऐसे घुमाएंगे तो जितना ये नीचे आएगा उतना पानी का लेवल कम होता जाएगा, इसको आप ऐसे घुमाएंगे जितना ये ऊपर जाएगा उतना पानी का लेवल बढ़ता जाएगा। तो इसमें आपको साइज़ देखने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि इसका जो डाया होता है वो सबसे ही होता है। बाकी आप लोगों को मैं एक चीज़ बताऊँ कि कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट आकर के करिएगा, अगर आपको ये पार्ट चाहिए या फिर अगर आपको रिप्लेसमेंट करवाना है तो आप इस पार्ट को ज़रूर लगाइए, ठीक है। अगर आपको कोई पार्ट आपका ख़राब हो गया आप इसको यूज करके देखिए, ठीक है। आपके पास जाएगा, आप देखिएगा, फिट करिएगा, उसको लगवाइएगा, आप देखिएगा, क्वालिटी देखिएगा, सब कुछ देखिएगा। अगर कोई दिक्कत आती है 3 दिन में आप रिटर्न बुक कर दीजिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। वो खाली आपके सेटिस्फेक्शन के लिए मैं बोल रहा हूँ कि आप 3 दिन में रिटर्न बुक कर सकते हैं, क्योंकि कस्टमर को लगता है यार एक बार आ गया पैसा चला गया, पता नहीं कैसा प्रोडक्ट आएगा, वापस होगा कि नहीं होगा, तो ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है ना। और श्योरिटी देना आपको, ऐसा नहीं पेमेंट आपने पहले कर दिया। और साइज़ की आप टेंशन मत लीजिए, साइज़ तो मैं आपको जो आपको चाहिए होगा एक्चुअल साइज़ मैं वही भेजूंगा, आपको वापस करने की नौबत ही नहीं आएगी। आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा तो मैं आपके साथ कॉन्टैक्ट नंबर भी शेयर कर दूंगा अपना, जिससे आप मुझे साइज़ व्हाट्सअप भी कर सकते हैं या मुझसे कॉल करके बात भी कर सकते हैं। मैं आपको समझा भी दूंगा कि सर आप किस तरीके से आपको मेजरमेंट लेना है, क्या साइज़ का है। आप कमोड की फ़ोटो भेज दीजिए, सिस्टम की फ़ोटो भेज दीजिए, आपका जो स्पेयर पार्ट है उसकी फ़ोटो भेज दीजिए, तो उसके अकॉर्डिंग आपका जो है जो जाएगा वो आपका एक्चुअल पार्ट जाएगा, उसमें आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करिएगा। मेरे चैनल पे लगभग लगभग मैंने हर तरीके के वीडियो अपलोड कर रखे हैं, और अगर आप सब्सक्रिप्शन में जाएंगे तो वहाँ पर आपको कंसील सिस्टम, 1 पीस, 2 पीस, मतलब अलग अलग तरीके के, कोई लीकेज है, कुछ फंक्शन नहीं कर रहा है, कोई फ्लश वाल किसी फंक्शन नहीं कर रहा है, कुछ हर तरीके का वीडियो मेरे चैनल पर आपको मिल जाएगा। तो इस तरीके से आप लोग सपोर्ट करते रहिए, और जितना हो सकेगा मैं भी आप लोगों का हेल्प करता रहूँगा इस तरीके से। तो चलिए आज के लिए धन्यवाद, और फिर नेक्स्ट टाइम नए किसी और वीडियो के साथ मिलते हैं, जिससे आप लोगों को कुछ नया और होगा तो मैं आप लोगों का हेल्प करूँगा।